मैं घुसी हूँ विला में और मैंने उसको सीधा पूछा था शशि, लाइक व्हाट द फक इज हैपनिंग, शॉर्ट क्यों उतरवा रहा था उससे अपने? अरे मेरे हाथ में उसने, मैं पूल में, वो पूल में जा रही थी, तू एक तो तेरे पैरों में लगी, तू मेरे साथ तो पूल में जा नहीं गया, पूल में मैं नहीं गया, बस शॉर्ट उतरवा रहा था। अरे शर्ट उतरवा नहीं रहा था, मेरे हाथ में ग्लास था, दूसरे में कुछ चीज थी तो मैं पकड़ के खड़ा हुआ था। रख दे नीचे, आकाश ने को ग्लास पकड़ा दे, मतलब तू तो इतना ही ट्रस्ट है मेरे ऊपर? गया ट्रस्ट वाली बात ही नहीं है, तू किसी और बंदी को इतना ग्लास आने क्यों दे रहा है यार? ये जो मैंने सोचा था उसका बहुत उल्टा हो रहा है। एंड मुझे जेन्युइनली लगा कि वो जानबूझ के तुझे इंस्टिगेट करना चाहती, तभी वो हुडी पहन के आई, चश्मा लेकर आई, जानबूझ के उसने वो हुडी पहन लिया। अरे इस लीना माता के, मैंने कितना वॉर्न किया था कि मैं तुझ पे रहम खा रही हूँ, इसलिए तू जा, तू बन जा, परफॉर्म कर ले, चली जा बहन, जो तुझे मैंने वो पार दिया, एंड दिस इज व्हाट यू फकिंग डू। मैं सच बता क्या सीन है यार, क्या कर रहा है मेरा, मेरे को टेल यू आई हैव बीन वांटिंग टू हैव दिस कन्वर्सेशन विद यू फॉर अ व्हाइल, तो इट्स गुड दैट द टाइमिंग इज आल्सो राइट, ठीक है, आई डू हैव लाइक यू नो, आई डू लाइक हिम, एंड इवन दो इट्स नॉट फ्रॉम हिज साइड, इट्स वन साइडेड, आई लाइक आई डू हैव लाइक समथिंग फॉर हिम, राइट, तो मेरे लिए वो मेरा कनेक्शन है, फॉर हिम इट्स यू, बट फॉर मी इट्स हिम। अच्छा तो काश आप अभी उसकी हुडी पहनकर क्यों आई यहाँ मेरे सामने? क्योंकि वो उसने दिया है मुझे, तो आप मेरे सामने क्यों पहन कर आ रहे हो? आपको तो पता है कि ये चीजें थोड़ी ट्रिगरिंग है भी मेरे लिए, क्योंकि अगर एक बाबा तू मेरी जगह पे होती तो तू क्या ये चीजें एक्सेप्टेबल होती? I have been very considerate towards everybody until now. But now I think it's time for me to think about myself. बिल्कुल। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे पहनना चाहिए, अगर मुझे अच्छा लग रहा है, तो why should I sacrifice my happiness? ठीक है, then why should I sacrifice my partner? No, मत करो यार, मत करो, उससे बात करो। I have no problem and I'm not asking him to sacrifice anything. I'm not. I like your bond. I appreciate it. मुझे कोई problem नहीं है। तो आज उसकी short word खोल रही हो क्या? क्या मतलब है? कुछ। So he was holding the glass and I opened it. Like okay, I know you opened it. He didn't have a problem with it. हाँ बिल्कुल, he didn't have a problem. But तुम्हें शर्म नहीं आई मतलब? To be really honest. No. पूछती है कि शर्ट क्यों उतारा, शर्ट क्यों उतारा? अरे क्यों नहीं उतारू? मेरा आइडियल मैच है, गए थे हम पूल डेट पे, तो एंड ही डिडंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, सो व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अगर मुझे लगा कि मुझे खोलना चाहिए, अगर और अगर उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इट्स दैट वाज कमिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। उसके बाद तुमने कुछ करा क्यों नहीं? क्या करा तुम्हें? अगर शर्ट खोलने में शर्म नहीं आई तो आगे करने में कुछ शर्म क्यों नहीं आई? बिकॉज आई डोंट वांट टू डू दैट, दैट्स माय चॉइस, राइट? मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी वो तो मेरा चॉइस है। कशिश, द ट्रायो वॉज फाइनली यूनाइटेड, हम एक परफेक्ट ट्रायंगल में बैठे थे और महक दोनों को इंटरोगेट कर रही थी, एंड आई वाज लाइक पूछो जिससे पूछना है, मेरे को क्यों बोल रहे हो? ये बोल रही है वो कि उसके उसने तेरे बटन खोले शर्ट के, तुझे प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं क्या बोलूँ तुझे, मैं क्या बोल सकती हूँ? बट उसको अगर प्रॉब्लम है उसी से, मुझे बेहतर हो क्या बोला था वहाँ पे कि जो भी हमारा डिस्कशन हुआ था वहाँ पे, डिस्कशन गए भाड़ में, मुझे ये बताना तूने कुछ बोला क्यों नहीं? मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है? तो जवाब ही नहीं था, वो मुंह लटका के बैठा था, क्योंकि क्या ही बोलेगा, ही ओनली आस्क्ड मी टू ओपन हिज शर्ट, अब ये तो नहीं बोल सकता ना महक को। अरे जब ऐसी कोई बात नहीं थी महक, ऐसी कोई चीज, तू तो नंगा हो जाएगा उसके सामने। ऐसा नहीं था महक, तो ठीक है शर्ट उतारी ना उसने, अब बता क्या एक्सप्लेनेशन है तेरे पास? नहीं प्लीज ये नहीं, मुझे जवाब दे। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, हम बात कर रहे थे, वो पूल में जा रही थी, उसको जाना था, तो मैंने शर्ट, मुझे गर्मी लग रही थी, पसीने आ रहे थे, तो उसने बोला शर्ट उतार दे। महक सुन तो रे बात, मत कर यार, नहीं सुन ले, मैं कर रही बातें से, दिस इज सो बैड यार, मैं 10,000 लोगों के आगे तेरा गाना गा कर आई हूं, यहां मैं चूतों की तरह खड़ी हूं, नहीं नहीं दिस इज वेरी पर्सनल, तो बात तो सुन ले। नो तेरे पास कुछ बोलने के लिए है क्या? है बोलने के लिए तेरे पास? महक दिस इज व्हाट यू कॉल ट्रस्ट? अगर ये ट्रस्ट है और ये प्यार है कि जिसे तू कर रहा है, तो ऐसा प्यार किसी को ना हो यार। मैं तो साइड में बैठ के मतलब पॉपकॉर्न खा के देख रही थी कि क्या हो रहा है दोनों के बीच, मैं चिल कर रही थी, मुझे जो करना था मैंने तो वो कर दिया। मैं रस्ते में आ रही थी, मैं बस पूरा टाइम में सोच रही थी कि मैं उसको पकड़ के हक करूँगी, मैं उसको बताऊँगी मैंने उसके लिए क्या क्या बोला, वहाँ मैं चिल्ला चिल्ला कर।
for this. I hate him. मेरा होने लग गया था like I was like I want to give up on him. I want to. मैं तारा को convince करना चाहती थी, उनसे बात करना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा hurt नज़र आ रहे थे. Do you want to go on this date or not? I don't know. तारा अपसेट मैं भी हो सकती हूँ, वो भी हो सकता है और आप भी हो सकते हो. इफ यू थिंक अबाउट इट मैच्योरली साक्षी, वी कैन गो स्पेंड टाइम. साक्षी अगर आप मेरी जगह पर होते, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं, मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ. लेट मी कंप्लीट, कैन यू प्लीज लेट मी कंप्लीट. अगर आप मेरी जगह पर होते, मैं किसी और बंदी के साथ होता यहाँ पे, तब आपको एक्चुअल में फील होता कि मुझे अभी क्या फील हो रहा है, और मैं बोलता कि मुझे दोनों के साथ डेट पे जाना है. You know, किसी को प्यार करना और किसी पे हक जताना, मैं हक नहीं जमा रहा हूं साक्षी. मैं प्लीज थिंक मैच्योरली. आई एम थिंकिंग मैच्योरली. मैं सिर्फ आपका वेट कर रहा था सुबह से यहाँ पे, एंड आई वाज ओनली प्रेइंग कि आप ही जीतो आज. और हमें जो हमने बहुत टाइम से जो डेट पे हम नहीं गए हैं, आई वांटेड us to go on a date and clear things out. Yeah, it's always about what you wanted. No, it's not about what I wanted. It's about I need that chance. I'm looking for that chance जब से मैं यहाँ पे आया हूँ साक्षी. साक्षी जो दो लोगों के लिए गिफ्ट लेके आई थी, उसकी वजह से जस्टिन को भी डेट पे जाना पड़ेगा. और मैं नहीं चाहता हूँ, आई कैन नॉट शेयर माई डेट विद एनी अदर गाय. आई वुड लव इफ यू कम एंड आई वुड लव टू स्पेंड सम टाइम. मुझे अगर जानना है कि साक्षी के मन में एग्जैक्टली क्या है, तो मुझे मेरा ईगो को साइड में रखना पड़ेगा और उसके साथ एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी. मैं डेट के लिए रेडी हुआ एंड आई वॉज एक्साइटेड टू सी कि आज क्या होने वाला. एक बहुत ही खूबसूरत सेटअप था और मैं चाहती हूँ कि वो दोनों उस डेट पे आते. उस बंदी ने इतने एफर्ट्स करे एंड वो कब से मेरे को कह रही थी कि हनी आई लाइक यू, आई लाइक यू. तो मैंने कहा इस बंदी के साथ डेट पे जाते हैं. मेरी ना स्प्लिट्सविला जब से आऊँ पहली ऑफिशियल डेट है एक really? बंदी के साथ. ठीक है, बंदी बाकी तुसी बड़े सोने होने बन के तैयार श्यार होके डेट पे आए हो. तेनू पंजाबी आंदी है ना यार? पंजाबी तेरा कार्ड स्पीक करी दी. ये रैप है, मैं आप ही लिखा. ठीक है. अंबरो उतरी तू अरशा दी हूर है, शरेआम कतल तेरा चेहरे दा नूर है. मेनू करे किल दस मेरा की कसूर है, हजूर है मुंडा बेकसूर है. I hope he does that more often. That's totally my vibe. I will tell you something about yourself. मेरे को you will tell me something about me. जैसे मैं हूँ real life में, कि जैसे मेरा है कि सीधा जाके शेरों की तरह, हाँ ये ऐसा सीन है, ये ऐसा सीन है. I am very blunt. It's like तेरा same scenario था. मैं आते ही तेरे को समझ गया. मैं कहा ये बंदी को मेरा idol match बनाने के लिए ही यहाँ पर भेजा है. I want to take care of him and I like him. तू ना आज मेरे को तेरे पे कुछ missing लग रहा है, बता. कि तू एक फूल सा लगा के आती है अपने कानों के पास ना. जैसे notice कर लिया था मतलब. मैं इतना तो notice बंदा करता ही है. फोन देख के नहीं कैंट लग रही. Yes, now looking सोना सोना. ले चल तेरी बातों में कहीं पे घर. वो लड़की बाकी क्यूट है, वो बहुत अच्छी थी. मैंने भी एक क्यूट से जेस्टर में कान पे एक फूल लगा दिया, जिससे मतलब हमारी जो फ्रेंडशिप की शुरुआत थी वो हो चुकी थी. I was so happy. Why are you both wearing hats? मैं चाहती हूँ कि ये डेट है जो बहुत स्मूथ हो, बहुत परफेक्ट हो, और हम तीनों को मौका मिले एक दूसरे को समझने का. Miss Shrivas, you look beautiful as always in black. Sorry. Ah, go ahead. You're looking very beautiful. Thank you. So cute. मेरा मन कर रहा था मैं उसके हाथ को वहीं पे तोड़ दूँ. This is like the most uncomfortable date of my life. Like it's very difficult for me to see my girl. आपके साथ भी. To be very honest. मैं बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील कर रहा था. मैं नहीं चाहता था कि हम तीनों एक साथ डेट पे जाए, बट मैं मजबूरन मुझे आना पड़ा. इट इज़ ट्रू, तुम दोनों का कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. मैं वो डिनाई नहीं कर सकता, बट वो सेम फीलिंग ना मेरे मन में हमेशा पता है क्या आती है, कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ. मेरे को अगर ये एक साल पहले मिली रहती तो मैं ये सेम चीज़ फील करता. वो मैं अनलकी हूँ कि मैं इसको सिर्फ 15 दिन पहले मिला. जस्टिन एक ऐसा लड़का है जो मुझे आज तक नहीं मिला. मतलब ही इज अ परफेक्ट गाय.
वो समझता है मेरी बातों को, वो मुझे कंफर्टेबल फील कराता है. मैं जस्टिन को कहीं ना कहीं पसंद करती हूँ. अगर हमारा कनेक्शन या अगर मेरी फीलिंग्स या अगर मेरे इमोशंस फेक होते कहीं पे भी तो सबको नजर आ जाता. फैक्ट फैक्ट. मैं जेन्युइनली वहाँ पे यू नो इट वाज बिल्डिंग ठीक है, बट देन व्हेन ही केम एंड आई सॉ हिम एंड मैंने उसको रोते हुए देखा एंड जस्ट फेल्ट कि अब ये क्या हो रहा है, लाइक आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी. मुझे अपनी जिंदगी में जो लड़का चाहिए वो आधा इधर है आधा इधर है. मन कर रहा था दोनों को मिला के एक परफेक्ट लड़का बना लूं अपने लिए, पर वो पॉसिबल तो नहीं है. यू कांट लव देम बोथ. तो बहुत ही अजीब सिचुएशन थी मेरे लिए. पिछले 2-3 दिन से मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि आई हैव टू पिक वन गाय, आई हैव टू पिक वन गाय. ही इज गोना फील बैड और यू आर गोना फील बैड. फिर मैं सोच रही हूँ कि व्हाट वुड पीपल थिंक अबाउट मी. बट आज जब मैंने टास्क किया ना, आई जस्ट काइंड ऑफ कन्फेस कि यार मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, मैं क्या करूँ. मैं आप दोनों को एक बात बोलना चाहता हूँ. आई एम नॉट काइंड ऑफ अ गाय जो किसी को फोर्सफुल पाना चाहे. आई जेन्युइनली लव यू. व्हेन आई सी यू आई डोंट सी एनीबडी एल्स. क्योंकि ये जो हमारा रिलेशन है ना बहुत प्रीशियस है मेरे लिए. मुझे लाइफ में पहली बार ऐसा फील हुआ है दैट दिस गर्ल इज द वन एंड आई डोंट वॉन्ट टू गो विद एनीबडी एल्स. वो फीलिंग लाइफ में बहुत ही. तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है ये तय है. एंड यू नो साक्षी आप बोलते हो दैट यू फील कंटेंट. आई फील कंटेंट विद यू. मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है. तारा के साथ जो मैंने रियल लाइफ में टाइम स्पेंड किया है या जो चीजें हमारे बीच में हुई है वो काफी बढ़कर है. वी हैव बीन विद ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन. मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आप एक गेम शो जीतो, चाहे वो आप मेरे साथ जीतो चाहे आप इसके साथ जीतो. अगर आप एक गेम शो जीत जाओगी तो आई फील कि मैं जीत गया. अगर वो ये चाहता है तो वो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है वो साक्षी पे इतना प्रेशर क्यों डालते रहता है पूरे टाइम. वो बोलता कुछ है करता कुछ है और उसको समझ में तो कुछ भी नहीं आता. ये सिचुएशन में ना सिर्फ एक ही ऑप्शन है. ये ऑप्शन ये है कि मैं जेन्युइनली ये बिलीव करूँ कि तू जो भी डिसीजन ले रही है हम दोनों के लिए राइट है. अगर तू चाहती है मैं स्टेप बैक करूँ तो मैं स्टेप बैक कर लूँगा जगह. ऐसे उसे नहीं बोलना चाहिए था. उसे बोलना चाहिए था कि साक्षी तू मेरे साथ खेल. बिकॉज कभी कभी लोगों की जो अच्छाई है ना वो भी आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है. हाउ डू यू गाइस वांट टू डू दिस, लाइक एक एक करके टाइम स्पेंड करना है या यू वांट. मेरे को लगता नहीं एक एक करके टाइम स्पेंड करना जरूरी है क्योंकि ना तो मैं इसको मारना चाहता हूँ आज ना तो वो मेरे को मारना चाहता है. नहीं बट आई वॉन्ट टू हैव सम पर्सनल टाइम विद हर. अब यहाँ बीच में मत आइए प्लीज. I'm requesting you. मैं सोच रहा हूँ मैं पहले बात करूँ. ठीक है. ये मेरी आदत है यार मैं क्या करूँ. ठीक है I'll see you. मिश्रवास. Yes, Justin D'Cruz. वो जिस तरह मुझे रोज मिस श्रीवास बोलता है मुझे अच्छा लगता है और जिस दिन नहीं बोलता है ना I really really miss it. मैं तेरा हाथ पकड़ के किस तो नहीं करूँ. मत कर. बट मैं तेरे को देख ये बोल रहा हूँ ये जो फीलिंग है 4 साल पहले फील की थी किसी लड़की के लिए इतना एफर्ट डालने वाली. सानू इश्क दी सट देके दुख लख लख देके चल रही सोनी. नहीं तो मैं इतना एफर्ट डालना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ऑप्शन होते हैं. कोई भी ऑप्शन मैं कंसिडर नहीं करता हूँ क्योंकि तू ऑप्शन ही नहीं तू द वन है. बट अगर तेरा ये डिसीजन चेंज होता है ना मैक्स टू मैक्स मैं तेको ना ये बोल सकता हूँ कि आई बी वेटिंग चलेगा. मैं भी हूँ तू भी है आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जामने. आई शुड स्टेप बैक एंड अगर
साक्षी जेन्युइनली मेरे लिए फील करती है तो शी विल कम टू मी. वुड यू लाइक टू डांस विद जस्टिन डिक्रूज? आता है तेरे को डांस? तू सिखा दे. मैं मेरे दिल से ये चाहता हूँ कि हम दोनों ये पूरा शो एक साथ जाए और हमारा जो ये कनेक्शन था और जो अभी भी है वो और बेटर ग्रो करे, क्योंकि आई जेन्युइनली फील कि साक्षी इज द वन जो मेरे लिए बनी. मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान. जाते हैं आगे लेकर आते हैं कहीं ना कहीं देख पा रहा था कि साक्षी स्टिल वॉन्ट्स टू परफॉर्म विथ मी. और उतने में ये आ जाता है जो है तारा. जो टीचिंग बचा था I'm trying to learn. She's not even teaching me right now. वो बचाता सिखा रही थी उसे. Bro, अभी तू रुक. I'll show you what is बचाता. You know बचाता? 6-7 को not at all. Okay. That is the only minus I have. Okay. I enjoyed it. इधर आ गया वो, नहीं तो मैं छोड़ने नहीं वाला था तेरे को. अरे जा. मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे नहीं समझ में आ रहा, because इन दोनों situations में मैं कैसे किसी एक को हर्ट कर दूं? You know, एक कोइंसिडेंस हुआ है आज. क्या? आपने वही कॉस्ट्यूम पहनी है जो आपने हमारी फर्स्ट डेट पे पहनी थी. Yes. And मैं भी वही पहन के आया हूँ. And you are looking very, very beautiful, जैसे आप फर्स्ट डेट पे लग रही थी. अच्छा, if not me, अगर मैं अपना जी गेम जस्टिन के साथ कंटिन्यू करती हूँ, then who would you, you know, like to perform? To be very honest, nobody. मेरा सिर्फ एक कंसर्न था कि मैं जिस मोटिव से आया हूँ, मुझे वो मोटिव पूरा करना है, साक्षी को वापस पाने. I only want to do it with you. ओ तेरे संग यारा, कुछ रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा. जो मेरा मोटिव था कि मुझे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, वो मैंने सारी फीलिंग एक्सप्रेस कर दी थी. मैं यहाँ पे सिर्फ आपके लिए आया हूँ और आपके साथ ही रहना चाहता हूँ. ओके, वन मोर थिंग. ओके, कैन वी डू अ डांस ऑन द सेम सॉन्ग जो हमने अपनी पहली डेट में किया? वी कैन डांस. ओके, लेट्स डू इट. दैट्स इट. है दवा भी पर आदत है हमें तेरी लहरों में आकर ऐसे हम बहे गहराया गहराया दिमाग में वो सारी मेमोरी आ गई. जितना भी टाइम हमने बाहर स्पेंड किया है वो सारा फ्लैशबैक में चल रहा था. एंड उस बात को लेके मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया. कोई इश्क दिलासा दे के एक इल्म जरा सा दे दे, वो जो मेरा था मुझे क्यों मिलता ही नहीं. You know, and I was waiting for you. Don't cry. Don't cry. But generally, when I was waiting for you over there outside, in front of the beach, I remember our moments, which we have spent in Goa on our first trip. Meri mohabbat hai tujhse shikayat kyun hai abhi. एक अपनी फीलिंग्स को लेके लिए इतना एक्सप्रेसिव है और वहीं दूसरा मुझे सारा टाइम एंड स्पेस इन द वर्ल्ड देना चाहता है टू अंडरस्टैंड व्हाट आई रियली वांट. तो ये डेट
क्लैरिटी तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं लाई, इनफैक्ट मुझे और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड कर गई। जैसे ही हम स्क्रॉल पढ़ने जाते हैं, देखते वहां पर गिफ्ट हैम्पर्स रखे हुए हैं एंड मैं देखता हूँ उस पर लिखा होता पावर गमी। गुड मॉर्निंग स्प्लिट्स विलन। आज का चैलेंज है एक पावर गमीज चैलेंज। देयर आर सुपर टेस्टी च्यूएबल यूनिसेक्स हेयर विटामिन गमीज। ब्रिंग आउट योर पावर इन टुडेज चैलेंज विद दीज 100% वेजिटेरियन एंड क्लिनिकली प्रूवन पावर गमीज जो सपोर्ट करता है हेयर एंड नेल ग्रोथ। सो गाइज गेट रेडी एंड मीट मी सून, लव अर्जुन। मुझे नहीं पता था कि आज साक्षी किसके साथ परफॉर्म करेगी, बट मैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीस में था एंड आज वो जो भी डिसाइड करेगी मैं उस चीज की रिस्पेक्ट करूंगा। फाइनली हम सब रेडी हुए एंड हम पहुंचे हमारे पावर गमीज चैलेंज लोकेशन पर। हेलो 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 हेलो, हाय। Hello, Splitsvillians. Hello. This is MTV Splitsvilla 14, co-powered by Wildstone Deos and Perfumes and on Total Comfort. चलो कल की डेट के बारे में बात करते हैं। अन्नी, हमारी बहुत ही अच्छी सी एक डेट गई। कशिश के जाते ही ये स्विच हो गया। देखा, एक दिन पहले रो रहा था और अगले दिन डेट हो रही है। I am like that. I am positive energy. Super Splitsvilla. The best trio. आप लोगों की डेट कैसी थी साक्षी? सर बहुत अच्छी थी, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना स्मूथ रहेगा। They were both wearing hats. मतलब they are so similar. But any which way. तुम्हारी तो चॉइस करना और मुश्किल हो गया होगा तुम्हारे। समझ ही नहीं आ रहा कौन तारा है कौन जस्टिन है। मेरे को तो लगा दोनों को टोपी बनाई गई है। साक्षी ने बनाई है। बताऊं तुझे? मेरा मुंह मत खुलवा तू। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए, दुश्मन ठीक है। तो लेट्स जस्ट कम स्ट्रेट टू द चैलेंज कि आज होने क्या वाला है। हमारे पास है दो आइडियल मैचेस जो आज डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे, और क्योंकि कल का चैलेंज साक्षी और मूस जीती हैं, तो वो दोनों चैलेंज करेंगी आइडियल मैचेस को। ओह नाइस। तो अब उन्हें चूज करना है एक पार्टनर जो उनके साथ ये चैलेंज परफॉर्म करेगा अगेंस्ट द आइडियल मैचेस। आइडियल मैचेस, अब अगर आपको अपनी पावर्स रिटेन करनी है तो आपको ये चैलेंज जीतना पड़ेगा। आज का चैलेंज आइडल मैचेस करेंगे ही नहीं, बल्कि स्टेक पे होगी उनकी पावर। अगर मूस और साक्षी अपने पार्टनर्स के साथ ये चैलेंज जीत जाती है तो आपकी सारी पावर्स उनके पास चली जाएंगी। ये बहुत ही बड़ा ट्विस्ट था, क्योंकि मुझे ये पता है मैं और साक्षी आइडल मैच नहीं है, बट अगर हम ये जीतते हैं तो बिना आइडल मैच बने हम दोनों के पास आइडल मैच की पावर्स होंगी। मूस, सबसे पहले तुमसे शुरुआत करते हैं। I want a couple of with honey. With honey? Yeah. साक्षी, तुम बताओ तुम किसके साथ ये चैलेंज परफॉर्म करना चाहती हो? Do you want to pitch or you want to pitch Tara? I don't know. I think he definitely deserves it. For Justin. मेरे लिए कुछ लोग पिच कर रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा परफॉर्मर भी है, अच्छा परफॉर्मर भी है, और इससे पिछली बारी सेव किया दोनों को, तो ही डिजर्व्स अ चांस। आई रियली नीड अ चांस टू शोकेस माय स्किल्स एंड मैं भी देखना चाहूंगा कि हम कितने कंपैटिबल है। कितने लोगों को लगता है कि साक्षी को जस्टिन को चूज करना चाहिए? ऑलमोस्ट सभी को। इवेंचुअली साक्षी तुम्हें डिसाइड करना है, चूज वाइजली। आई स्वेयर टू गॉड दिस वाज one of the most difficult decisions of my entire life. Sir, actually यहाँ challenge के लिए आने से पहले कहीं ना कहीं मैंने सोचा था कि maybe मुझे इस situation में डाल दिया जाएगा where I have to pick either of them for a challenge. तो I wanted to pick Tara because उनको chance नहीं मिला है and मैंने उन्हें देखा है, वो बहुत अच्छे performer हैं and मैं उनके साथ Oracle के सामने जाना चाहती हूँ. But क्योंकि ये challenge पावर्स के बारे में है एंड इट्स नॉट अबाउट गोइंग टू द ओरेकल,
I will pick Justin. I was really very happy and मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा था साक्षी still wants to perform with me and साक्षी ये शो में मेरे साथ आगे जाना चाहती है। भाई अभी कल तक वो कबड्डी में तारा तारा कर रही थी, आज फिर जस्टिन जब मैंने कहा भाई मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। I felt so bad and very upset कि आज उसने मेरा नाम नहीं लिया। It's just about the chat. I know that. This shows that you don't believe on me. You okay? सर एक बहुत स्पेशल बॉन्ड होता है ना, तो ट्रस्ट भी होता है जो मुझे नहीं दिख रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई अंडरस्टैंड जस्टिन यहाँ पे पहले दिन से, ही गॉट मेनी चांसेस, बट मुझे यहाँ नहीं मिला है। एंड मैं साक्षी से हमेशा एवरी सिंगल डे मैं यही बोल रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ चांस, आई एम लुकिंग फॉर अ चांस, आई एम लुकिंग फॉर अ चांस, बट शी सेड इट वेरी क्लियरली। बट तारा, अगर मेरे को पावर मिलेगी उनके साथ तो आई वॉन्ट कि आप भी इस गेम में रहो और कहीं ना कहीं मैं आपको सेव कर सकूं। साक्षी, मैं सिर्फ गेम में ही रहूंगा और मैं तारा, सुनने का एक बात मेरी, बट अब शायद ये दिन है ना जब तेर को और मेरे को हमेशा ये समझना पड़ेगा कि अपुन अगर उसको पसंद करते तो अपुन उसको वो पीयर प्रेशर ना दे। अभी उसके वर्ड्स क्या थे सामने कि मैं तारा को पिक करने वाली थी, ये मेरे को हर्ट किया। क्या 100% हर्ट किया? मैं भी बोलूं, बट साक्षी, अगर आप नहीं जीते आज फॉर एग्जांपल, और अगर आप सेफ नहीं कर पाए तारा को, और तारा अगर बाहर चला गया तो आप साथ में परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे उसके। इट गोज द सेम फॉर बोथ ऑफ देम। कल डेट पे बैठ के आराम से ये बोल रहा था कि साक्षी आप ये शो किसी के साथ भी जीतो मैं खुश हो जाऊंगा, तो ये क्या बातें कर रहा है भाई? तू रात को कुछ और बोलता है, दिन को कुछ और बोलता है, और अगले दिन तक तू दोनों बात भूल जाता है, पागल है क्या? So now let's come to the challenge. Challengers, आप चारों एक टीम हो। An ideal match is आप चारों एक टीम हो। इस चैलेंज का नाम है तेरी कटली मेरी जूसली। I think Splitsvilla में challenges के नाम बहुत ही fun होते हैं। अब किसका कटने वाला था और किसका जूस निकलने वाला था वो तो वक्त ही बताएगा। आज के चैलेंज में आप दोनों टीम्स को जूस निकालना है। वो कैसे निकालना है मैं बताता हूँ। पहले स्टेज में जो लड़के हैं, शुरुआत में वहाँ तलवार रखी हुई है। जो लड़का है वो तलवार लेगा और इस रैंप पे आके लेट जाएगा। इस रैंप पे ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, लड़का जो है फ्रूट्स को काटेगा, लेकिन रैंप के दूसरी तरफ दूसरी टीम का ओपोनेंट यानी कि दूसरा लड़का आपको इस रैंप से घसीट रहा होगा, क्योंकि रैंप पर है सोपी वाटर। आपको मैक्सिमम फ्रूट्स काटने हैं और जो भी चैलेंजर होगा उसे कोशिश करनी है कि आपको जोर से घसीटे ताकि आप कम से कम फ्रूट्स काटो। और फिर वो लड़की वो फ्रूट्स लेके जाएगी जूस निकालने, और वो जो जूसर इतना शानदार है उसे अपने बम पे बैठ बैठ के जूस निकालना है, और फिर वो जूस कलेक्ट करना है एक कंटेनर में। लास्ट स्टेज में जो ओपोनेंट लड़की है वो मिर्चियों को टॉस करके जो जूस का बोल है उसमें डालने की कोशिश करेगी। जितने भी मिर्चियां जूस के बोल में जाएंगी उतने शॉट्स आपके जूस में से कम हो जाएंगे। दोनों टीम्स के पास है सिर्फ 10 मिनट। टुडेज चैलेंज इज ब्रॉट टू यू बाय पावर गमीज। है ग्रोथ मतलब पावर गमीज। और चैलेंज करते वक्त आपके बालों में सोप जा सकता है, नेल्स में सोप जा सकता है, और ताकि आप उसे अच्छे से मेंटेन कर सके मैं देना चाहूंगा आपको पावर गमीज। पावर गमीज गॉर्जियस हेयर एंड नेल में है बायोटिन, जिसमें है सारे विटामिंस फ्रॉम ए टू ई, जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए और नेल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यू गॉट टू रिटेन योर पावर्स एंड यू गॉट टू विन द पावर। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि मेरे साथ परफॉर्म करने वाली थी मेरी गुड लक साक्षी, कि आज चाहे कुछ भी हो हम दोनों हमारा बेस्ट देंगे और वो पावर्स जीतेंगे। सबसे पहले आइडियल मैचेस में से जा रहा है आमिर, और उसके साथ जा रही है पैमा जूस निकालने के लिए। मैं जाऊंगा फ्रूट्स काटने के लिए, क्योंकि मेरे वेट के हिसाब से और मेरे हाथ चलने के हिसाब से मैं जल्दी से काट सकता। आमिर, he was definitely looking like a juicely. I just hope he doesn't get hurt. Challengers में से block करेंगे हनी एंड मूस। जैसे ही देखा कि आमिर फ्रूट
काटने जा रहा है, मैंने कहा जस्टी तू काट यू फ्रूट, आमिर को मैं खींचता हूँ, इधर ला तू रस्सी, आज का चैलेंज हमें कैसे भी फाड़ देना है। 3, 2, 1 गो। जैसे तार चालू हो गया मैंने वो स्वॉर्ड घुमाना चालू कर दिया, हनी उधर से खींचता खींचता और मैं उधर स्वॉर्ड घुमा रहा और जितना कलिंगर है उसको काटने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कलिंगर के अंदर पानी ज्यादा रहता है। सब फल बोल में डाल रहे थे एंड देन आई वाज रशिंग, आई वाज ट्राइंग टू डू इट एज फास्ट एज आई कैन। जिस तरीके से वो बाउंस कर रही थी तब 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 ऐसा पावर में डाल रही थी, जूस निकाल रही पावर में डाल रही थी, बोला आय आय पसंद है। अभी तू जूस निकालती रहे, जूस निकालती रहे। पंपिंग पंपिंग पंपिंग। चल बहुत बढ़िया पहला। I know for a fact I'm looking so funny right now, but I don't care because my powers were at stake at this point. Focus, focus, focus. मिर्ची उसके अंदर डाल दे। फुल मिर्ची डालने की कोशिश कर रही है, काफी डिफिकल्ट था वो, इजी लग रहा था बट वो इतना इजी नहीं था। बूझ लवली नहीं जा रहे हो। आ बढ़वा। मैं उधर देखता हूँ मेरे को आवाज आ रही है, मेरे को कोई पता नहीं चल रहा था एक मिर्च गई है दो गई है, एकदम ऐसे लग रहा था कि बस हनी तेरे को अपना बेस्ट देना है। हमें क्रॉस मारना, क्रॉस फ्रूट्स को मत मार, रस्सी को मारना तो पूरा फ्रूट गिरेगा। जो काम मेरे हिसाब से एक दो अटेम्प्ट में होना चाहिए वहां आमिर भाई साहब अलग ही तलवार घुमा रहे। क्या बात हमने, हनी ने एक अच्छा काम किया, हनी ने उसको बार बार बहुत तेज खींचा। वाटरमेलन डंडी तोड़, वाटरमेलन वाटरमेलन, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है हमने, ये बात सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी मेरी कि यार जितना आप टाइम वेस्ट कर सकते हो उतना टाइम वेस्ट करो, जितने मैक्सिमम टाइम में वो फ्रूट्स कटेंगे उतना आपको ज्यादा एडवांटेज है। चल मूस। ऑलमोस्ट अभी ये प्रेशर याद रख, ये प्रेशर याद रख। वहां पे थोड़ा इशू आता है बिकॉज मिर्ची अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है। हम दोनों ही काफी डिटरमिन्ड थे ये पावर्स जीतने के लिए, सो आई न्यू दैट मैं अपना बेस्ट करूं। लवली मूस, क्या मूस, मूस गुड। मूस ने दो मिर्चियां उनके बोल्स में डाली, आई थिंक जितना भी जूस उनका कम हो जाए इट इज गोना हेल्प अस एट द एंड। 8 मिनट हो गए। पैमा जूस उठाओ, अंदर डाल, टाइम कम है, जूस डालो उसके अंदर, जूस डाल उसके अंदर, जूस नहीं उठा, हाँ डाल 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 उसमें, डाल उसमें डाल, आराम से जल्दी डाल, जल्दी डाल आराम से, इजी नहीं, हाँ अब वापस आ, वापस आ, वापस आ। हम कुछ भी करके ये पूरा सारे फ्रूट निकाल के ये लोग का जूस निकालेंगे, मैंने पूरा कोशिश करा एंड फाइनली ऑल द फ्रूट्स वर डन। अब तुझे जूस ही निकालना, इसने तो कर लिया, इसका तो जुलूस निकल गया। चल प्रेमा चल 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 प्रेमा, स्किन निकाल, स्किन निकाल, उसकी स्किन निकाल, लास्ट 1 मिनट। चल प्रेमा टाइम नहीं है। और उधर से प्रेशर पूरा गया पेमा के ऊपर। अगर हम आज ये टास्क हार गए तो आइडियन मैच बनने का कुछ फायदा नहीं। 30 सेकंड। चल मूस करती रहे, थोड़ा सा टाइम बचा। चल डाल 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 पेमा, डाल दे बॉल में, डाल बॉल में, डाल छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, डाल दे ये टूस, डाल दे उसमें, डाल दे बॉल में, डाल। 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। चल वेरी गुड। Overall, at the end of the challenge, I was feeling pretty good, and I just hope that we win and our powers won't be taken away from us. Round 2 शुरू होने वाला है और challengers की तरफ से juice निकालने जो pair आ रहा है वो है Justin and Sakshi.
मैं स्वॉर्ड चलाने वाला था एंड ऑफ कोर्स साक्षी जूस कलेक्ट करेगी एंड ऑपोजिट टीम से कशिश मुझे पुल करने वाला था, लीना मिर्ची टॉस करने वाली थी। आकाश, लीना तुम्हारी फेवरेट मिर्ची तुम्हें दी गई है, मेक श्योर ज्यादा से ज्यादा बोल में डालो। मिर्ची आकाश, लीना मिर्ची की जैसे है क्योंकि सो स्पाइसी, सो दिस इज द परफेक्ट चैलेंज फॉर। 3, 2, 1 गो। वाटरमेलन में ध्यान दे रहा है भाई। मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि मैं जो भी फ्रूट कट करूं उसको प्रिसाइज कट करूं ताकि उसका जूस वेस्ट ना हो। कम ऑन कशिश। कशिश बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, वो पूरा अपनी ताकत लगा रहा था, खींच रहा था जस्टिन को। आइडल मैचेस की पावर स्टेक पे है, इसलिए मुझे ये था कि आज कुछ भी हो जाए आज जीतना है। साक्षी ये देख। चल। मैं ये प्रूफ करना चाहता था साक्षी को कि आज तूने मुझे मौका नहीं दिया है, बिना मौका दिए भी मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। मैंने एम करना स्टार्ट किया मिर्ची जो की है बिल्कुल मेरी तरह तीखी मिर्ची। आराम से मार आकाश लीना। मिर्ची अंदर जाके बाउंस बैक हो गया एंड आई वाज लाइक ओ माय फकिंग गॉड आर यू सीरियस, आज बैड लक नहीं चाहिए मुझे। चल बॉय। Akashina was trying to make those mirchi counts because the more mirchi she can place, then the more shots of juice we can take out of the container that Sakshi is making. Watermelon, very good. Chal, Sakshi, chal. Sakshi, watermelon center mein rakhega. वो जूसर इतना बड़ा था, उसमें थोड़े बहुत फ्रूट्स डालने का कोई मतलब नहीं था, तो मैंने सारा वाटरमेलन उठाया उस जूसर में डाला। साक्षी फ्रूट्स बहुत हो गए, इधर जल्दी जूस निकाल उसका, देख क्या। आगे पीछे हां बहुत बढ़िया, आगे पीछे आ रहा है। मैंने जिस इंटेंसिटी से उस जूसर पे जंप किया है, आई कुड फील कि मैं आज शायद खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी बिकॉज मेरे थाइस आज जाने वाले हैं, बट आई वाज सो पम्प्ड सो दैट आई गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जूस दैट आई कैन। एक बार हाथ ऐसे मार दें जिससे जो फंसा हुआ होगा ना वो निकल जाएगा। मैं वहां पे समझ गया था कि अगर आपको जूस निकालना है तो आपको वो जार खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जो जार के होल होते हैं उनमें गूदा अटक जाता है। हाथ मारो एक बार। वेरी गुड, वेरी वेल डन। वहां पे मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि मैं साक्षी को ये सब समझाऊं, और मैं वहां पे समझा भी रहा था क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये चाहता था कि आज साक्षी चैलेंज जीते। जस्टिन ने जो फ्रूट काटना चालू करे दबा दब। कमान कशिश क्विकली। मैंने कहा कशिश कितना जोर लगा ले, आज तो जूस ली ने हमें पावर दे ही देनी है। well done. जल्दी से जल्दी मैं सारे फ्रूट्स काट दूं, क्योंकि मैं जितना जल्दी सारे फ्रूट्स काटूंगा उतना ज्यादा टाइम मिलेगा साक्षी को जूस निकालने के लिए। जस्टिन वेल डन, 5 मिनट में सारे फ्रूट जो है तुमने काट दिए, तुम्हें काटने की बड़ी आदत है यार। Keep it on, चल। Almost there यार। भाई aim तो कर, वो लोग ने 2 डाले, हमको एटलीस्ट 3 डालना पड़ेगा थोड़ा सा एडवांटेज जानने के लिए। 7 minutes are up, 7 minutes are up. कूद, वरना जाओगे डंपिंग में। Very good, आगे पीछे, very good. साफ करो। दो मिनट बचे हैं, यू ऑल ब्रोक इट। 7 minutes are up, 7 minutes are up. Oh no. प्लीज अंदर चली जा। ये मिर्ची तो मुझे लगता है कि महक की बद्दू आई है। कूद, वरना जाओगे डंपिंग में। वेरी गुड, आगे पीछे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
जब मैं साक्षी को देख रहे थे, the juice in that bucket was spilling more and more and more. I was just seeing कि वो juice level almost same है. बहुत बढ़िया साक्षी. Go more right, go more right. बहुत बढ़िया. उसका hold साफ करो, साक्षी, hold साफ करो, उसके hold साफ करो. उस ट्रेनर को जब खोला तो वो ऐसे करके लिटरली टूट गया वहां पे. मुझे लग रहा था कि अब क्या होगा, मैं कैसे जूस निकालूंगी. दो मिनट बचे हैं. यू ऑल ब्रोक इट. अब अगर हम रुक जाते तो हमारा जूस बहुत कम है एंड मे बी हम हार सकते. आई जस्ट होल्ड इट, चलो कूदो. I'm literally just holding it because it is broken. तो obviously उसे उसके हाथ में लग रही होगी, but we really really wanted to win this, so he did not see that. 9 minutes हो गए, 9 minutes हो गए. जल्दी कर. At that point, I was like, maybe this might be the point where they struggle a little and there might be a chance of us winning. चल साक्षी, ज़्यादा time नहीं बचा है. Hold up कर दो. Well done. एक बार juice डाल दो इसमें. उसके बाद आओ, juice डाल दो. डाल लो जूस. बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन. इजीली डालो. 5, 4, 3, 2, 1. बहुत बढ़िया साक्षी, बहुत बढ़िया. गुड जॉब बच्चा, वेरी वेल डन. आई वॉज रियली हैप्पी कि हमने बहुत सारा जूस निकाला है, बट फिर भी मैं पूरी तरह श्योर नहीं था कि रिजल्ट क्या आने वाला है. बहुत ही क्लोज कॉल लग रहा है मुझे. वो लोगों का परफॉर्मेंस देख के अंदर से सच्ची में वो डर और परेशानी था कि भाई अगर ये लोग आज जीत गए तो मैं एक दिन भी आइडियल मैच बनने की खुशी नहीं बना पाऊंगा. आइडियल मैचेस का जूस तो आज हम डेफिनेटली निकालने वाले थे, क्योंकि वो बहुत टाइम से वहाँ पे एक एक चैलेंज करके जो आइडियल मैच बन गए हैं, बारी थी कि उन्हें भी थोड़ी धूल चटाई जाए. ये बोल जो है वो है चैलेंजर्स का बोल, और ये बोल जो है वो है आइडियल मैचेस का बोल. सुंदूस, आकाश, लीना, देखो दो मिर्चियां हैं. ये वाली थोड़ी टेढ़ी है. हाँ, ये वाली कौन सी है? टेढ़ी वाली आकाश लीना होगी. ना 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 ना, ये नहीं नहीं, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा स्ट्रेट हूँ. नहीं, वो सीधी है मेरे हिसाब से काशी ना, टेढ़ी वाली फंडूस है. तेरी दोस्त क्या बोल रही है, ये टेढ़ी वाली तू है? वो बोल रहा है कि टेढ़ी वाली वो है. हाँ, तो तेरा आइडियल मैच है तो तेरी साइड ले रहा है. आकाश लीना, आपने दो मिर्चियां डाली हैं और मूस आपने भी दो मिर्चियां डाली है, तो वो तो नल एंड वॉइड हो गया. चैलेंजर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव वन द चैलेंज. हमने आइडियल मैचेस को पावर से हटा दिया. मेरा जो डिसीजन था एकदम करेक्ट था. आई वाज सो सो हैप्पी. तो हम सारे ही बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे. अब जिन्होंने मेरे को रुलाया ना, मैं उन बंदों को रुलाने जाने वाला हूँ. हमें बोला, अरे भाई ये क्या हो गया यार, अभी अभी आइडियल मैच बने, अभी अभी पावर मिलने का इस्तेमाल करने का मौका मिला, तो वो पावर हाथ से चले गया. आई वाज लाइक सो 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 हैप्पी, लाइक ये हुई ना बात. अब भाई लीना माता और कशिश जो भी है इनका, फाइनली इट्स गोना बी ओवर, बिकॉज मैं थक गई थी इस चीज से, लाइक थक गई थी. चैलेंजर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीत चुके हैं पावर गमीज की तरफ से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर. थैंक यू. कम एंड कलेक्ट योर हैम्पर्स. लेट्स गो गाइस. पावर गमीज, gorgeous hair and nail mein hai biotin and all the vitamins from A to E. These are biotin enriched gummies to bring out the best version of you. Challengers, aap ye challenge jeet chuke hain, lekin exactly aapko kya powers milengi ye hum aapko batayenge dumping ground mein. Aur ideal matches aapke sath kya hoga ye bhi aapko pata chalega dumping ground mein. See you. हम बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि डंपिंग सेशन में हम लोग ऑलरेडी सेफ थे एंड हमारे पास वो पावर्स थे जो आइडियल मैच के पास होते. पावर्स हो सकती थी आमिर के पास, बट अब वो भी हाथ से चली गई एंड अब कहीं ना कहीं डेंजर में हैं हम लोग एंड अब डंपिंग में कुछ भी हो सकता है.
Fully Faltu, fully entertaining. Like, share and subscribe to our channel Fully Faltu.